नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं पुरुषोत्तम और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस यानी एयर है कि नहीं। दोस्तों कई लोग ये बात नहीं जानते और इसी तरह वाल्व खोल कर प्रेशर को निकालते रहते हैं ताकि एयर जो है बाहर चला जाए, लेकिन मैं दोस्तों इस वीडियो में 100% सटीक बताऊंगा, उसे आप पता लगा सकते हैं कि नॉन कंडेंसेबल गैस प्लांट में है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि प्लांट को बंद रखना है, यानी प्लांट को स्टैंडिंग रखना है, और उस वक्त अगर कंडेंसर के ऊपर कोई प्रेशर गेज लगा हो तो ठीक है, अगर नहीं लगा हो तो रिसीवर के ऊपर जो हाई साइड में प्रेशर गेज लगा होता है उसमें हम स्टैंडिंग प्रेशर देखेंगे यानी सेचुरेशन प्रेशर देखेंगे। जब प्लांट पूरी तरह बंद रहता है तो उस वक्त जो प्रेशर गेज में प्रेशर बताता है वो सेचुरेशन प्रेशर यानी वातावरण के तापमान पर सेचुरेशन प्रेशर उसमें बताएगा, उस प्रेशर को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसे हम टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उस प्रेशर को हम टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब प्लांट स्टैंडिंग हो उस वक्त कंडेंसर के आजू बाजू का जो हवा है, वातावरण का जो हवा है, उसका टेम्परेचर माप लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई थर्मोमीटर लगा कर और छांव में कंडेंसर के ऊपर उस टेम्परेचर को हम वातावरण के टेम्परेचर को हम माप लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम मशीन में लगे प्रेशर गेज में जाकर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वातावरण के जो तापमान है उसे हम माप लेते हैं। मैं कंडेंसर के ऊपर एक थर्मोमीटर लगा रखा हूँ पहले से, तो जाकर उसमें देखते हैं कि उसमें कितना तापमान है, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ मैंने थर्मोमीटर लगा रखा है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बता रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ का वातावरण का जो तापमान है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब मशीन में जाकर देखते हैं प्रेशर गेज में कि वहाँ पर कितना तापमान बता रहा है, तो चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यह है रिसीवर के ऊपर लगा हुआ प्रेशर गेज, और अभी प्लांट स्टैंडिंग है तो इस वक्त जो प्रेशर गेज में बता रहा है ये सेचुरेशन प्रेशर बता रहा है यानी स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 110 से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और साइड में देख सकते हैं कि रेड वाला जो ग्राफ है, यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये रेड वाला जो ग्राफ है ये टेम्परेचर का है। तो किसी किसी गेज में, किसी किसी प्रेशर गेज में ये ग्राफ नहीं हो सकता है, तो आप टेम्परेचर प्रेशर जो चार्ट होता है उसे देखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 105 डिग्री, आपको दिखा देता हूँ सही से, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका बता रहा है। ठीक है दोस्तों, और कंडेंसर के ऊपर मैंने देखा था वहाँ का जो तापमान था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये दोनों मैच कर रहा है, और 2 से 3 डिग्री भी इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्ट मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस यानी एयर बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर दोस्तों कंडेंसर के ऊपर लगे थर्मोमीटर के तापमान और यहाँ प्रेशर गेज में लगे हुए तापमान सेम हो तो समझ जाए कि हमारे प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस नहीं है। अगर कंडेंसर के ऊपर लगे थर्मोमीटर में तापमान उस तापमान से यहाँ का तापमान ज़्यादा हो तो समझ लीजिए हमारे प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा नॉन कंडेंसेबल गैस होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल ही इसमें अंतर नहीं है, बिल्कुल ही परफेक्ट बता रहा है, यानी वातावरण का तापमान और इस सेचुरेशन प्रेशर पर जो तापमान है उसका तापमान सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्लांट में नॉन कंडेंसेबल गैस यानी एयर बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं
ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।